हम उड़ते उड़ते जाएंगे, हम उड़ते उड़ते जाएंगे, एंड में मैं रोने लग गई थी। तो बेसिकली इतना इमोशनल कर दिया था। देशभक्ति की फिल्म है, वन टाइम वॉच है, ऐसा नया हिंदुस्तान ऐसा मैसेज देती है। सुपर्ब, उनका काम तो हर फिल्म में अच्छा होता है, इन्होंने उसमें बेस्ट किया। थोड़ा सा चैलेंज था उनके लिए, बट मुझे लगा कि उन्होंने अपना 100% दिया इस फिल्म। नहीं, पूरी फिल्म ने बांध के रखा, नो डाउट। फिल्म बहुत अच्छी थी और अच्छी लगी मुझे। सबसे अच्छी बात है कि वुमन ओरिएंटेड पिक्चर थी, तो उसमें कंगना ने बहुत अच्छा मैसेज भी दिया। इवन कंगना के साथ भी एक लड़की थी अंशुल, उसने भी बहुत अच्छा काम किया है। और फिल्म में एक मैसेज दिया है कि हम लोग बहुत नेगलेक्ट करते हैं अपनी रियल ज़िंदगी में, सोशल मीडिया पे, फ़ोन्स पे कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी डालते हैं, बट एक्चुअली देश के लिए जो लोग काम करते हैं उनको कोई प्रेज़ नहीं कर पाते। तो ये बहुत अच्छा मैसेज था। मूवी देख के बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि मूवी बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही प्यारी बनी है, बहुत अच्छा मैसेज है। कंगना ने बहुत अच्छा काम किया है, वरुण इज़ ऑल्सो गुड। और इसके अंदर आप देख रहे हैं जब वरुण स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, वो म्यूजिशियंस मैंने दिए, वो ओरिजिनल म्यूजिशियंस मैं ढूंढ कर लाया। एक एक कास्टिंग के अंदर मैंने प्रॉपर लुक टेस्ट किए, प्रॉपर उनको गेटअप्स दिए, मैंने प्रोडक्शन से कोई उसका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं मांगा, अपने सब सेटअप्स करके दिए। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो एवरी टाइम देखता हूँ, और ये तेजस मूवी मुझे अच्छा लगा। पायलट फाइटर होती है तेजस, और उसका जो टारगेट रहता है मिशन तेजस, सेकेंड पार्ट अच्छा है इंटरवल के बाद, अच्छा 100% रोल उसने फिट होती है ये रोल में। देखो इसमें बहुत अच्छा एक मैसेज दिया है कि हर काम के लिए लड़कों को आगे किया जाता है, हर बोला जाता है कि बॉयज़ ही कर सकते हैं या फिर मेल ओरिएंटेड, बट ऐसा कुछ नहीं है, फीमेल भी बहुत कुछ कर सकती है। एक फीमेल सोल्जर जो है, जो हमारे देश के लिए इतना कुछ करके गई है, तो मेरे हिसाब से कंगना ने बहुत बढ़िया सब्जेक्ट चूज़ किया। कंगना तो हमेशा ही अच्छा काम करती है, मेरी फेवरेट है। सो बेसिकली काम बहुत अच्छा लगा, बट थिएटर में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। उसका रीज़न ये भी था कि लोगों को लगता है वुमन ओरिएंटेड फिल्म है, ओटीटी पे आ जाएगी, देख लेंगे, बट मुझे लगता है ये फिल्म थिएटर में देखोगे तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि फिल्म में जिस तरीके से, जिस बारीकियों से काम किया गया है, उसमें काफ़ी कुछ दिखाया गया है। मतलब मैं बता दूँगी तो फिल्म का रिवील हो जाएगा, बट जो बारीकियाँ दिखाई गई है तो मे बी वो थिएटर में जाके ही आपको पता लगेगा। तो फिल्म बहुत अच्छी है, फिल्म का मैसेज बहुत अच्छा है। इवन एंड में एक मैसेज ये भी दिया था कि हम लोग अपने देश से प्यार करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है ना कि रास्ते में झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वीडियोस बना लेते हैं, बट उस झगड़े को सॉल्यूशन करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये भी एक अच्छा मैसेज दिया है कि जिस तरीके से देश पे जवान या फिर एयरफोर्स में लोग काम करते हैं, उसी तरीके से हमें भी अपने देश के लिए जितना हो सके करना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज मुझे लगा था पूरी फिल्म में। सबसे अच्छा ये लगा कि एक जो देश के प्रति सेवा है, और जो फैमिली के प्रति, देश के प्रति, और जो एक न्यूट्रल थिंग्स है जो हमारे हर नागरिक को करनी चाहिए, कंगना ने जो लास्ट में, सबसे लास्ट में फिल्म में जो मैसेज दिया है कि हमें अपने देश से और इंटरनली भी प्यार करना चाहिए, नॉट ओनली ऊपर ऊपर से, या फिर नॉट ओनली सोल्जर्स बट ऑल्सो जो हम सिविलियंस रह रहे हैं उनको भी, सबको प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि यार हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, बहुत बांध के रखा। इवन मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने आई हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं ट्रेलर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। और फिल्म में ये था कि कहीं भी ना आप मिस नहीं करोगे एक भी सेकंड को, कहीं बोर नहीं लगेगा आपको। इवन एक छोटा सा अटैक का भी इसमें दिखाया था, 26/11 का, जो लड़की है उसकी फैमिली के साथ कैसे अटैक हो जाता है, फिर भी वो देश से उतना ही प्यार करती है और देश के लिए लड़ने जाती है। इवन एंड अगर आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सो बेसिकली फिल्म बहुत बांध के रख रही है। फिल्म में एक एक चीज़ पे बहुत अच्छा काम किया गया है, हर एक एक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, चाहे वो 5 मिनट के लिए भी आया है। एक लड़का इसमें टेररिस्ट बनता है, सो उसने बहुत अच्छा काम किया ओवरऑल, कम टाइम के लिए था बट बहुत अच्छी छाप छोड़ के गया है वो फिल्म में। ओवरऑल जितने सपोर्टिंग एक्टर्स थे, कुछ नए एक्टर्स को भी चांस दिया उन्होंने, सबका काम बहुत अच्छा था। देशभक्ति की फिल्म है, वन टाइम वॉच है, ऐसा नया हिंदुस्तान ऐसा मैसेज देती है। देखिए न्यू इंडिया इसलिए दिखाना चाहिए कि 26/11 का जो अटैक था ना, उसमें हर एक बंदे की अपनी एक कहानी थी। और अगर हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए बहुत सारी फिल्में भी बनी है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू सीरीज़ भी बन गई है, पर अभी की अगर बात की जाए तो सच में ये एक न्यू इंडिया है। और उस न्यू इंडिया में सबसे बड़ी बात यह कि हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं उस टेक्नोलॉजी को अपने फालतू टाइम के लिए ना वेस्ट करके, ना देश के लिए अगर कुछ भी कर सकते हैं तो ज़रूर करें मेरे हिसाब से। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, हम उड़ते उड़ते जाएंगे, हम उड़ते उड़ते जाएंगे। सो ये और एंड मतलब एंड में मैं रोने लग गई थी, तो बेसिकली इतना इमोशनल कर दिया था। बट हम उड़ते उड़ते जाएंगे वाला डायलॉग है ना, वो हर एक की ज़िंदगी में है कहीं ना कहीं, कि आप जिस भी काम में हो उस काम में पूरा 100% दो और जहाँ जाना उड़ते उड़ते ही जाओ। उसमें सच्चाई सिर्फ मुझे ये लगती है कि इंडिया में जो आजकल आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, सब जगह देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़ा होता रहता है, सब जगह होता रहता है, तो कंगना ने ये कहा है कि ये जब सोल्जर देश के कॉर्नर पे खड़ा होकर, बॉर्डर पे खड़ा होकर रक्षा कर रहा है, और आप घर के अंदर ये सब छोटी छोटी हरकतें कर रहे हो, तो वो बंद करो ताकि न्यू इंडिया बने, लोग प्रोग्रेस करें,
और आगे बढ़े करियर में, नाम में, और इंडिया को आगे लेकर जाए। पूरे फिल्म को 5 में से मैं 4 स्टार देना चाहूँगा। 4.5 स्टार दूंगी। 4-3 रेडियो सिटी, रग रग में दौड़े सिटी।